नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद बदल गया विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का पूरा पॉइंट टेबल। जीत के साथ मुंबई इंडियंस को पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा फायदा, तो क्या है पूरा पॉइंट टेबल बताएंगे इस वीडियो में, और यह भी बताएंगे कौन सी टीम WPL 2023 में क्वालिफाई कर चुकी है। उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन है तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया, जिसमें कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और RCB को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसमें कि RCB की शुरुआत खराब रही और पिछले मैच के हीरो रहे एस डिवाइन आज 0 रन बनाकर रन आउट हो गई। उसके बाद समय समय पर विकेट गिरते रहे और RCB ने 20 ओवर में 125 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाई। RCB के लिए सबसे ज्यादा 29 रन ऋचा घोष ने बनाए। वही मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट एमेलिया केर ने ली। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। पहले विकेट के लिए 53 रनों की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम की भी विकेट लगातार गिरने लगी। अंत में एमेलिया केर और पूजा वास्त्रकर ने पारी को संभाला और मुंबई इंडियंस को शानदार जीत दिलाई। इसी जीत के साथ चलिए नजर डालते हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2023 के पूरा पॉइंट टेबल पे। आज के जीत के साथ मुंबई इंडियंस 8 मैच में 6 जीत 12 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ चुकी है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट। तीसरे नंबर पर यूपी वॉरियर्स 7 मैचों में 4 जीत के साथ 8 पॉइंट। चौथे और पांचवे नंबर पर RCB और गुजरात जायंट। WPL में 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, पहला मुंबई इंडियंस, दूसरा दिल्ली कैपिटल, तीसरा यूपी वॉरियर। अगर कल का मैच दिल्ली कैपिटल हारती है तो मुंबई इंडियंस सीधे फाइनल में जगह बना लेगी। अगर कल दिल्ली कैपिटल मैच जीतती है तो दिल्ली कैपिटल फाइनल में जगह बनाएगी।